Hi dear students, I am Surbhi Chandra in front of you all with my exercise 1.2. Last time we discussed question 1 and 2 and third I told you to think over it. I'll presently start with question 4 and 3 we'll discuss later. What is your fourth question? Kirti Bookstore sold books worth ₹2,85,891 in the first week of June. फर्स्ट वीक में उसकी इतने की दैट इज 2,85,891 की सेल हुई एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. सेकेंड वीक में उसकी ₹4,768 की सेल हुई. हाउ मच वॉज द सेल ऑफ द टू वीक्स टूगेदर, मतलब दोनों हफ्तों में उसकी कितनी सेल. वी विल एड. वेरी गुड. जस्ट सी द सेकेंड पार्ट. इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन सी वीक में उसकी सेल ग्रेटर थी एंड बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा. द सेकेंड पार्ट विल सी लेटर. लेट्स मूव ऑन टू द ए पार्ट. व्हाट विल बी द स्टेटमेंट इन द ए पार्ट. सेल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून हाउ मच, ₹2,85,891. Am I clear? सेल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. देन सेकेंड स्टेटमेंट, सेल in the second week of June. How much is the sale in the second week of June? That is ₹4,768, right? ₹4,768. How much was the sale for the 2 weeks together? So, or you can say total sale. Total sale in 2 weeks. What will we do? We will add. That is ₹2,85,891 plus ₹4,768. Am I clear? अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, एड. दैट इज 2,85,891 प्लस 4,768. राइट. 8 + 1 9 9 + 6 15 8 + 7 15 + 1 16 राइट. 5 + 1 6 8 4 + 2 8 + 1 9 9 + 6 15 1 carry over 8 + 7 15 + 1 16 5 + 1 6 8 4 + 2 6. So what is your answer then? What it says, how much was the sale for the 2 weeks together? Sale for 2 weeks is equal to ₹6,86,650. Am I clear? Now just see the second part. In which week was the sale greater? Now you can yourself see. Sale in the first week, ₹2,85,891. Sale in the second week, ₹4,768. So it's very much clear that sale, how much, in which week was the sale greater? The sale was greater in the second week. So let's move on to the B part. So what you will say, sale was greater in second week. There is no need to write the whole statement again. Am I clear? Sale was greater in second week and by how much? By how much it was greater? So what will we do? Minus. And by क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट. दैट इज 4,768 माइनस 2,85,891. सो 4,8
768 minus 2,85,890. 8 minus 1, 7. 16 minus 9, 7. This will become 15. 15 minus 8, or sorry, this will become 16. 16 minus 8, 8. This will become 9. 9 minus 5, 4. 9. 9 minus 8, 1. 3. 3 minus 2. 8 minus 1, 7. 16 minus 9, 7. This will become 16. 16 minus 8, 8. 9 minus 5, 4. 9 minus 8, 1. 3 minus 2. So, by how much? By rupees 1,14,870. Am I clear? Am I clear to all? तो पहले हमने देखा कि किस वीक में सेल ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी, हमने माइनस करके वीक कैलकुलेट. इज इट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें ये दो पार्ट्स होते हैं. तो पहले आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करोगे, सेकेंड पार्ट में पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली वो स्टेटमेंट लिखोगे जो वो पूछ रहा है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. थर्ड वी आर डिस्कस 5. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743 ओनली वंस. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रही है. फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस. बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743 ओनली वंस. जब मैंने ये स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट से कैसे बनाते हैं, जिसमें खाली डिजिट एक बार आए. यस, जब रिपीट होंगी दैट विल ऑल्सो आई टेल यू. तो पहले हम निकालेंगे, हमारी पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी? ग्रेटेस्ट नंबर. देखिए हमारे डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 62743. इसमें एक एक बार डिजिट आएगी जब आप इन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे. तो मैंने बताया था आपको, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं हम सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, राइट? और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो एक एक बार लिखना है. पहले आएगा 7, देन इट विल कम 6 will come, right? Then 4, then 3, then 2. Very good. तो नंबर क्या बना? 76,432. अब हमें क्या लिखना है? Smallest number. Right? What will be my smallest number? पहले हम लिखेंगे छोटा number. That is 2. Very good. Then comes our 3. Good. Then comes our 4. Good. Then comes our 6. Then comes our. तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना? 23,467. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस. इसमें यू मस्ट बी आस्किंग कि इसमें ये क्यों लिखा हुआ है ईच ओनली वंस, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि जिसने वो कहेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ बाय रिपीटिंग द डिजिट. सो दैट ऑल्सो आई डू विद यू. अभी हम क्या कर लेकर चल रहे हैं? ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें हर एक डिजिट एक बार है. अब हम क्या निकालना है हमें? डिफरेंस. व्हाट विल आई डू? 76432 माइनस 23467, राइट? लेट स्टार्ट. 12 माइनस 7, 5, राइट? ये क्या बन गया? 2. 12 माइनस 6, 6, राइट? दिस विल बी 13. 13 माइनस 4, 9. दिस विल बी 5. 5 माइनस 3, 2. 7 माइनस 2, 5. एम आई क्लियर? यस. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? व्हाट इज द डिफरेंस? 52,961. एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, पहले हमने बनाया ग्रेटेस्ट नंबर, फिर हमने बनाया स्मॉलेस्ट नंबर, फिर हमने निकाला डिफरेंस, एंड दिस इज आर आंसर, राइट? कैसे निकालते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर? तो आपने देखा होगा सब चीज बेस के ऊपर डिपेंड है, जो आपने 4 और 5 में करा है, और वो हम साइड बाय साइड रिवाइज करेंगे. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स
2825 स्क्रूज अ डे, एक दिन में मशीन ने 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर दी. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? कितने स्क्रूज वो प्रोड्यूस करेगा जनवरी के मंथ में? अब एक मिनट, यू मस्ट बी आस्किंग कि इसमें 2006 क्यों दिया? जनवरी 2006, इसमें मंथ हमारे पास है 2006, ठीक है, मंथ हमारे पास है जनवरी. And you know that in the month of January we have 31 days. तो leap year का January के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Suppose हमारा question होता Feb. Suppose हमारा question होता Feb 2006. ठीक है? Now 2006 अगर हम देखें, is it a leap year? No. हमें कैसे पता चलेगा कि ये leap year है या नहीं? देखिए, अब ये भी base हो गया. तो base को जानना बहुत जरूरी है. हमें कैसे पता चलेगा कि 2006 leap year है नहीं? हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से. अगर 4 से 2006 क्लियरली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर है. नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं है. तो अगर मैं 2006 को 4 से डिवाइड करके देखती हूं, इफ यू सी 4 5s are 20, आई कॉपी 6 4 1s are 4, तो ये नहीं होगा. तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ लीप ईयर. अब ये लीप ईयर नहीं है तो मंथ हमारे पास सपोज होता फेब, तो फेब में कितने डेज होते हैं? 28. सपोज होता, सपोज आफ्टर, एंड यू नो दैट आफ्टर 4 इयर्स ऑलवेज अ लीप ईयर कम, यस और नो? 2020 इज अ लीप ईयर, यस और नो? क्योंकि 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे इट इज अ लीप ईयर. लीप ईयर आ रहा है. अगर सपोज होता फेब 2020 तो उसमें आप फेब के कितने डेज लेते? 29. तो इसलिए आपके पास ये ईयर मेंशन है. अब इसमें हमारा लिखा है जनवरी 2006, इसके ऊपर तो चाहे अगर ये 2020 भी होता तो उसका जनवरी के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि जैन में हम कितने डेज लेकर चलेंगे? 31. आइदर इट बी अ लीप ईयर और नॉट. एम आई क्लियर और नॉट? सो दैट इज द रीजन दैट वाई दे आर मेंशनिंग द ईयर अलोंग विद इट. सो क्वेश्चन कैन कम इन एनी वे. इट्स नॉट नेसेसरी कि खाली आपको हमेशा वो जनवरी देंगे, वो फरवरी भी दे सकते हैं, मार्च भी दे सकते हैं. तो दे कैन गिव एनी मंथ. तो अभी हमारे पास क्या गिवन है? जनवरी 2020. तो क्या कह रहा है ये? एक दिन में मशीन 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है. सो जनवरी 2006 मतलब 31 डेज में कितने करेंगे? एक का गिवन है, ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. लेट्स मूव फर्दर. This is our sixth question. अब आप देखिए, पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्क्रूज. जब भी हम मल्टीप्लीकेशन की स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले हम वन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद ज्यादा के बारे में. स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे. एक दिन में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए? That is 2,821. Is that clear? Screws manufactured in 31 days. Bracket में हम लिख देंगे Jan has 31 days. Am I clear? Equal to be in one line. तो क्या करेंगे? 2825 मल्टीप्लाई बाय 30. इज दैट क्लियर? 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 2s are 2. यहां पर क्या आ जाएगा? क्रॉस. 3 5s are 15, राइट? 3 2s are 6 plus 1 7, 3 8s are 24, 2 carry over, 3 2s are 6 plus 2 8. क्लियर हुआ? 3 5s are 15, 1 carry over, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 8s are 24, 3 2s are 6 plus 2 8. Now let's add 5 plus 2 7, 8 plus 7 15, 1 carry over, 4 plus 2 6 plus 1 7, and this is 8. So the answer is 8 7 5 7 5.
तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इट सेज, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो यू विल से मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज इन जनवरी 2000. क्लियर, राइट, मल्टीप्लीकेशन कैन यू मूव फॉर द, लेट्स मूव ऑन टू द सेवन. अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after purchase? देखिए, a merchant had rupees 78,592. Merchant के पास इतने total money थे. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. मतलब cost of one radio set was how much? 1200. उसने इतने का order place करा. एक जो रेडियो सेट है वो 1200 का है, तो 40 कितने का होगा, यू विल मल्टीप्लाई, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 1200. हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेस, मनी लेफ्ट, क्या करेंगे दोनों का आपस में क्या कर देंगे, माइनस. सी सेवन क्वेश्चन क्या है आपका, मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर, मनी मर्चेंट हैड, हाउ मच रुपीज 78,592, इतना मनी मर्चेंट के पास था. ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, what is the cost of one radio set, that is rupees 12, right, then cost of 40 radio sets, kya karenge multiply, rupees 1200 multiply by 40. ab ek cheez aur, I'll also teach you shortcuts at the side. इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे जस्ट सी, इस 12 को हम 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, यहां की 2 जीरोस और 1, टोटल जीरोस क्या होगी, सो विल राइट द डायरेक्ट आंसर 48,000. उसके बाद मनी लेफ्ट, व्हाट विल इट बी, रुपीज 78,592 माइनस रुपीज 48, 78,592 माइनस 48,000, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 0 9 5, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4. एम आई क्लियर, सो व्हाट इज योर आंसर, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, तो यू विल से आंसर रुपीज 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द करेक्ट. इस क्वेश्चन सेवन क्लियर, यस. So, we'll move further tomorrow. First of all, let us discuss question 3 that I gave as the homework to you. In an election, the successful candidate registered 577,500 votes and his nearest rival secured 348,700 votes. Our first statement will be what? Please do see to it. Or what will be our first statement? Votes successful candidate got. How much? 577,500. Second statement, votes the rival got
348,700 votes. Third statement, margin by which successful candidate won the election. तो हम दोनों को क्या करेंगे? Minus. Minus. See how we'll do. Minus क्या होगा इसके अंदर? 577,500 minus 348,700. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 50 minus 7, 8. This will be 16 minus 8, 8. 6 minus 4, 2. 5 minus 3. Am I clear? So, what will be your answer? By what margin did the successful candidate win the election? So, you will say successful candidate won the election by 228,800. So, today we have done exercise 1.2 with question till question 7. Tomorrow, we'll move further. We are having 5 more questions left. Hope whatever I have done with you is clear. Do revise whatever I have done very properly. Bye.